जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम करने लगे हैं होंडा सिविक के ऊपर, और हमारे भाई आए हैं जी मुल्तान से, तो इनसे करते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र इब्रार भाई, आप सुने ठीक है? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त जी। अच्छा, आपके पास ये सिविक है, ये कौन सा मॉडल है, इसके बारे में बताएं जी। यार ये 99 मॉडल है, ठीक है, और ये मैंने लिया था तकरीबन आज से 2 साल पहले ये लिया था। अच्छा, और ठीक है, बॉन स्टॉक हालत में ली थी, 9,30,000 रुपये की गाड़ी ली थी। ठीक है, प्लान कैसे बनाई इस गाड़ी के लेने का? बस शुरू से होंडा तैयार कर रहे हैं, पहले हमने शुरू में EF तैयार की थी, फिर उसके बाद 95 पे आए, फिर हमने कहा कि इस मॉडल पे आते हैं ना, अब ये तैयार किए। तो मुल्तान में मुश्किल नहीं हुआ? मैंने सुना तो है मुल्तान में अब ट्रेंड शुरू हुआ। नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादातर एयर सस्पेंशन वगैरह इस टाइम मुल्तान में इस्तेमाल हो रही है ना। अच्छा, और इस टाइम मतलब यंग्स जो ये बॉयज़ हैं इनमें सब में ज़्यादा शौक पैदा हो गया इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अभी ये सारी स्टॉक हालत में खरीदी थी, जी, इसके बाद इसका कलर क्या था जनरल? इसका ग्रीन कलर था। ठीक है, बॉटल ग्रीन इसका ओरिजिनल कलर है। और आपने ये करवाया कि इससे पहले करवाया था येलो? अच्छा, करवाया था। हाँ, इससे पहले येलो कलर करवाया था, और वो तकरीबन हमने कुछ चलाया साल, हमने वो कलर चलाया ना। ठीक है, तो उसके बाद अभी हमने ये दो हफ्ते हुए हैं ये कलर इसका हमने चेंज किया ना। ये 2 हफ्ते पहले का हुआ? हाँ, ये 2 हफ्ते पहले हमने इसका कलर चेंज किया। ठीक ठीक, और ये मुल्तान से ही करवाया? हाँ, मुल्तान से कराया जी हमने। अच्छा बॉयज, गाड़ी दिखने में मतलब कलर वाइज मतलब फिनिशिंग वाइज बहुत अच्छी हुई हुई है, तो मतलब मुल्तान में भी आपको अच्छे डेंटल पेंटर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद आपने ये रंग पे मेहनत की, उसके बाद क्या आपने चीज़ें मेहनत की वो भी बताएं? उसके बाद जो हमने इसमें RS वाली लाइटें डाली फ्रंट, ये ठीक है, और जिस तरह बम्पर वगैरह इसके नए डाले, फॉग लाइटें वगैरह हमने इसकी नई डाली है, ठीक है, और नंबर प्लेटें, ये मतलब कि इसको पुरानी लुक से ना, हम इसको टोटली हमने इसको नई लुक में इसको लेके आए, गाड़ी को हमने चेंज किया गाड़ी को सारा। ठीक है, हाँ जी। 9,30,000 के बाद आपका कोई कितना का खर्चा आ चुका है? 9,30,000 के बाद तकरीबन कोई रिम टायर मिला के गाड़ी पे हमारा 4-5 लाख में हमें कॉस्ट पड़ी थी गाड़ी। तो ये भी ये रिम ये ही लगे हुए आए हैं क्या? रिम नहीं, इसमें दूसरे थे क्रेंजे वाले, वो असल में हमने इसके प्रोफाइल छोटी डाली हुई थी, तो हम मुल्तान से जब हमने सफ़र किया तो दरमियान में फैसलाबाद आए, जब हम पहुँचे तो इसका एक रिम जो है ना वो क्रैक हो गया। वो क्यों क्रैक हुआ? इसकी प्रोफाइल छोटी थी रिम की, वो जंप वगैरह जो खड्डा वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फिर हमने ये रिम चेंज करने पड़े हैं, ये वाले हमने रिम डाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कि आपको सफर में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आई है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करते लो प्रोफाइल है सफर में? हाँ, लो प्रोफाइल में इसको नहीं चलाना जी। मैं नहीं कर, हाँ, हमने इसको बड़े प्रोफाइल में, हमने इस गाड़ी को, हम इस पर लाहौर भी गए हैं, फैसलाबाद भी गए हैं, काफ़ी शोज हमने अटेंड किए हैं, हमें कोई मसला नहीं आया, चलती है। लेकिन भाई मेरा यही मशवरा है कि लो प्रोफाइल टायर पर गाड़ी मत चलाएँ, अपना भी नुकसान है। ये चीज़ें काफ़ी सुनी है, इवन के बड़ी गाड़ियों वाले भी, मतलब अच्छी जो लग्जरी गाड़ियाँ वो भी बताते हैं जी GT रोड पे टायर ब्लास्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह ही है, तो इस तरह ही होता है। आप GT रोड से हैं वैसे? नहीं, हम मोटरवे से हैं। अच्छा। फैसलाबाद से जो मोटरवे आती है ना, वो थोड़ा GT रोड की तरह हो जाती है, ठीक है, तो उसमें मतलब वो जंप वगैरह खड्डे वगैरह ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये हमारे साथ मुश्किल आई है। ठीक ठीक, तो माशाल्लाह आपने कलर तो बड़ा यूनिक किया, ठीक है, बिल्कुल, नो डाउट, मज़ा आता है देख के, एक मतलब कूल कलर, ठीक है, और है भी मेटालिक कलर। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने, यार शायद होंगी, मैंने नहीं देखी कि ये पाकिस्तान में 2000 मॉडल पे ये कलर हुआ है, मैंने अभी खुद नहीं देखी गाड़ी, मैंने इसे 5 मॉडल देखी है। हाँ, 5 है, हाँ वो है, हाँ, 5, लेकिन 2000 मॉडल हमने नहीं देखी अभी तक गाड़ी। नहीं, कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी इंजन के इंजन वाइज आपने क्या किया? इंजन इसके अंदर हमने डाला है D15 ड्यूल वेटेक, और ये हमने नेपट्यून कराई हुई है। ये आपने खरीदने के बाद लगवाया? हाँ, ये खरीदने के बाद हमने सारा काम कराया, ये हम कराची फिर गाड़ी ले गए आवाद खान से, हमने गाड़ी ट्यून कराई इसमें, ठीक है, इसकी वायरिंग, कंप्यूटर, एवरीथिंग, सब चीज़ें चेंज की हैं। उस वो कॉस्ट मिला के भी थोड़े बहुत पैसे और भी ऊपर पड़ गए, लेकिन मतलब ये बाजूका जो लिखा है, बाजूका ये एक ड्रिंक आई हुई है, बाजूका वो बहुत पसंद है हमें, मेरे एक दोस्त है हुसैन, तो हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे गाड़ियां बनाते हैं, इकट्ठे हमारा सारा ये सिस्टम काम है ना। मुझे लगा था बाजूका कोई इसके अंदर बला डाली है कोई। उसको बाजूका का बहुत शौक है। अच्छा। और उसने कहा जी भाई इसका नाम ही बाजूका रखना है। अच्छा अच्छा, बस ये इसी सिग्नेचर मैं समझा कोई आपने मैपट्यून क्रैश की वजह से आपने? नहीं 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 नहीं, बस इसका यार एक वो लोगों ने किसी ने क्या लिखवाया क्या, हमने कहा एक अलहदा से एक ट्रेंड। अच्छा, जो आपने मैपट्यून करवाया है? जी जी। आप मुल्तान से सफर कोई छोटा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामाबाद आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं? नहीं, गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ना टायर की वजह से हमें मसला आया, बाकी गाड़ी के इंजन ने, गाड़ी की एवरेज वगैरह भी हर चीज़ ठीक है। लोग कहते हैं ना यार आप ट्यून करा लोगे तो गाड़ी छिड़ जाएगी, गाड़ी की एवरेज छिड़ जाएगी, भाई इस तरह की कोई बात नहीं है, नेपट्यून पर गाड़ी मतलब नहीं तंग करती,
टाइम पे इसका ऑयल चेंज करें, टाइम पे इसके मतलब सारे काम कराएं, तो ये आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। ठीक है, देखे ना, दो साल हमने ये 2 साल पहले ट्यून कराई थी गाड़ी। ठीक है, पूरे 2 साल हमने इंजन चलाया है वो। ठीक है, और हमने पाकिस्तान के तकरीबन कुछ 7-8 शो इस पर मतलब अटेंड किया ना। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद जाके वो हमें प्रॉब्लम आई कि एक इंजन उसका उड़ गया ना। फिर अभी हमने रिसेंटली इसमें इंजन दूसरा भी चेंज किया। अच्छा, ठीक है, हमने जितनी केयर किया तो मतलब 2 साल ये चला है। सही केयर पे है कि केयर पे चलता है ये भी सही है। हाँ। आपने सही बताया, बताइए तो इंजन भी आपने चेंज कराया, मतलब कि आप मुल्तान में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे असल में मुझे शुरू से बताया गया गर्म इलाका और गांव है और रोडें भी नहीं सही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी लो गाड़ी एक तो मोटरवे पे चला के लिए मुझे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपनी गाड़ियाँ तैयार करते हैं, हम तो सोचते हैं यार यहाँ से पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे हम जाएंगे, ये तो गाड़ियाँ सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सर मुल्तान में तो इस टाइम जो टेम्परेचर है ना, अभी इस्लामाबाद में ठंड आ गई है, यहाँ ठंड शुरू हो गई रात में, पंखे बंद हो गए हैं। हाँ जी, मुल्तान में इस टाइम भी गर्मी है, और मैं आपको बता, इसीलिए तो हम इसको इस्लामाबाद लेके आए हैं कि इसको इस्लामाबाद में चलाएं, वहाँ हमसे चलती नहीं है, वहाँ बहुत गर्मी है यार। और सही है, सही है। हाँ जी, लेकिन बड़ा शौक है मुझे मुल्तान जाने का। नहीं, आप आए इंशाल्लाह जी इब्रार भाई, हमें तो दिली ख्वाहिश है कि आप आए। बचपन से एक चीज वो मुल्तानी सोन हलवा और एक मुल्तानी मट्टी सुना करते थे ना। नहीं, अब वो आपको गिफ्ट भेजेंगे ना यार। और हमारे दिल की ख्वाहिश थी यार हम इब्रार भाई से इसका एक दफा रिव्यू लाजमी करवाए। ये इत्तेफाक नहीं हुआ है, ये इधर आए हैं तो मैं आगे से मिल गया इनको। अभी 3 दिन से हम प्लान बना रहे थे, मैं कहा चले पहले टंड्रा का कर लें फिर इसके बाद हम इस गाड़ी पर आएंगे। तो आज हमने फाइनली कर लिया। और ये है कि वीडियो थोड़ी नॉलेज वाली है, ठीक है, जिस तरह गाड़ी रखी है भाई ने, आप मैकेनिकल चीज़ें समझते भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपने ये गाड़ी यहाँ ले आई। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते में क्योंकि ये गाड़ियाँ रुक जाए तो फिर बिल्कुल बिल्कुल जो मैकेनिक फोरन तो नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो आप टो करा के किसी पॉइंट पे लेके जाएं तभी कोई मसला हो सकता है, हल हो सकता है जी। हम मोटर वेयर निकलते हैं, टो सब चीज़ें साथ लेके निकलते हैं, एक्स्ट्रा रिम टायर, एक्स्ट्रा टो वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं इस गाड़ी पे। भाईजान इस तरह की जो चीज़ आप बनाते हैं ना, मेरा यही अपने बॉय से एक बात मैं करना चाहूँगा कि जो इस तरह की आप चीज़ बनाएं ना, आप प्रॉपर इसके लिए गाड़ी में सामान रखें। बिल्कुल, ताकि यार आप किसे टूल किट हो, एक्स्ट्रा टायर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और खुद भी कुछ आता हो। बिल्कुल, ठीक है, खुद का आना बड़ा ज़रूरी है। कभी आप रोड पे खड़े हो जाएं तो फिर हेल्प करने के लिए कम लोग ही आते हैं ऐसे। बिल्कुल जी, और मोटरवे पे जो भी आते हैं वो पानी लेके बस आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो बहुत मसला सारा ही है। अच्छा, इसमें आपने जो क्रांस डाले थे, आप कह रहे थे सुपर क्रोम थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में थोड़ा उसका क्रोम खराब हो गया, तो वो मैंने उसको नाडू ग्रे उसको मतलब पेंट कराया ना। ठीक है, स्मोक ग्रे, सॉरी नाडू ग्रे। ठीक है ठीक है, चले जी। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बाकी डिस्कस करके। और इसके अंदर एक शशका है पटाखों वाला, तो अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अभी ज़रा बुज़ुर्ग वगैरह अंदर बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता, बाहर लेके जाएंगे और इसके आपको ना आवाज़ सुनाते हैं, साथ रहिएगा। हाँ। ऐसा करो ज़रा यार, ये पटाखे किस तरह? ये रैप पे चलते हैं ना। अच्छा, मतलब एंड लॉकिंग जब होती तो डट डट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये एक किस्म की मिनी सुपरा है। मिनी सुपरा, यार मज़ा ही आ गया। सो गाइस, अभी हम इस्लामाबाद में, और इसमें रोला ये है कि हम गाड़ी कहीं खड़ी करके पटाखे सुना नहीं सकते और बहुत लाउड है ये, इसलिए चलते चलते ही आपको सुनाना पड़ रहा है। अच्छा सुनाए जी। Test, test, test. मजा आ गया यार, जबरदस्त। तो बॉयज, उम्मीद करते हैं जी वीडियो पसंद आई होगी। पब्लिक का ख्याल रखते हुए हमने जरा पटाखों को रोड पे ही चलाया, ठीक है, कहीं खड़े होके किसी को तंग नहीं किया, और यही शुगल मेला होता है, और मजे की चीज थी जी। कोई यूनिक चीज लगी है चलते हुए पटाखे बजने, ऐसा लग रहा है कि कोई सुपरा गाड़ी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।